दिखा दे। ये देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये कैंटीन एरिया है। और बता कैसा गया पेपर? पेपर यार उतना अच्छा नहीं गया, पास हो जाऊंगा भाई। इसका एग्जाम खराब गया है और ये हमेशा परेशान रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका अभी तक एक भी बाइक नहीं है। ये देखो हमारे कॉलेज के बच्चे, नालायक बच्चे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ पे गाजियाबाद में है, तो उनको एक्सप्लोर करेंगे आज। तो चलिए और चलते हैं, देखते हैं आज क्या है उस कॉलेज में, क्या फैसिलिटी है, क्या क्या वहाँ का माहौल है, सब कुछ बताएंगे आपको। गाइज हमारा फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है, तो आज लास्ट डे है एग्जाम का, वही मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। अभी दिन के बज रहे हैं 12:30, वैसे एग्जाम 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा और फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर हम लोग का ये सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। भाई ये ब्लॉग जो है ना, उस बंदे के लिए स्पेशल है जो गाजियाबाद में कॉलेज खोजता है बढ़िया सा, तो ये एक बेटर ऑप्शन है, तो मैं आज उसको एक्सप्लोर करूंगा। और आपको अच्छा लगता है तो भाई एडमिशन ले सकते हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से छूट जाती है, रह जाती है, या आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना। तो गाइस चलते हैं और देखते हैं क्या है उस कॉलेज में, बाकी हम एंजॉय करते चलेंगे, देखते हैं एग्जाम कैसे आता है नहीं जाता है, बच्चों को दिखाएंगे सारा माहौल वहाँ का दिखाएंगे। सब्सक्राइब करें, वोट करें अमित यादव को, थैंक यू। चलिए चलते हैं गाइस। ये देखिए हमारे कॉलेज में भी सेंटर पड़ा है एकेटीयू का, तो यहाँ भी एग्जाम हुआ था, तो अभी छुट्टी हुआ है, मतलब एग्जाम खत्म हो गया है, सब लोग जा रहे हैं। और हमारा ये बस लगा है, ये बस जाएगी, सारे हॉस्टलर हैं, कुछ जो ट्रांसपोर्ट लिया है वो बच्चे इसमें जाएंगे। पढ़ाई में मैं अंधा हो गया हूँ गाइस, मुझे पता नहीं है क्या पढ़ना था क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ गाइस, जो भी पढ़ा सब भूल गया, बाकी देखते हैं। और देखते हैं बाकी एग्जाम में जो याद आएगा, जो भी याद आएगा सब लिखने वाला हूँ, क्योंकि पता नहीं है कैसा चेक होता है कॉपी, क्या मुझे याद नहीं है भाई, जो याद आएगा वही लिखूंगा। ग्रुप के सबसे स्पेशल वन आशुतोष मिश्रा, क्या कहना चाहेंगे, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस एग्जाम पे जो कि आपका लास्ट एग्जाम है? ओए पिछले पेपर का वीडियो अभी भी होगा, पार्टी देने वाले थे कि हां, ये वही बंदा है जो गाइस ये स्पेशल वन नाम से बदनाम है, स्पेशल वन पीछे बैठा हुआ है, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, हां भाई। ओके अरे आपका लास्ट सेमेस्टर का भी पार्टी बाकी, आपने बोला था कि अगर हम पास हो गए तो आपको पार्टी देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक, ये बताएं आप जवान से पक्के हैं कि नहीं, ये विश्वास कैसे करेगी जनता आपको बताओ? ऑडियंस जो है ऑडियंस है क्रिएटर को, क्रिएटर के पीछे कब जाता है? मान लीजिए अलविश यादव है, वो बंदा जो बोलता है जेन्युइन बोलता है, तभी तो इतना क्रेजी है उसके लिए आदमी। अभी आप बताओ, आप सच बोलोगे ही नहीं तो कैसे होगा भाई? लोग हम युवा इनके पक्के नहीं है, जो लोगों को पता है पीट डालो। सच बोल रहा है वो, पक्के नहीं है जवान के, तो जो कुछ भी बोले ना भाई ट्रस्ट मत करना। दिखा ये देख सकते हैं हम पहुंच गए कॉलेज के सामने, जैसा कि देख सकते हैं कॉलेज है, यहाँ देखिए सामने एक वाटर कूलर लगा है जो बहुत अच्छी चीज है, और सामने यहाँ एटीएम भी है पंजाब नेशनल बैंक का, तो काफ़ी अच्छा है। और ये है मेन एंट्रेंस, और यहाँ मेन एंट्रेंस जैसे एंट्री करते हैं, यहाँ देखिए सामने शिव मंदिर जो कि बहुत अच्छा है, हर हर महादेव। ये देखिए कॉलेज सिक्योरिटी है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ नीचे से भी रास्ता है, यहाँ अंदर से अंडर पास होके जा सकते हैं ब्रिज के अंडर से। ये देखिए यहाँ से ये एंट्रांस है, ऐसे एलिवेटेड रोड है, यहाँ पे थोड़ा सा ढलान किया गया है, यहाँ देख सकते हैं ये ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, दोनों है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों का, नीचे जो है लैब वगैरह बनाया गया है। ए ब्लॉक जाने का रास्ता है ये, और यहाँ पे बी ब्लॉक जाने का रास्ता है, ठीक है। ये मेन एंट्री है अंदर कॉलेज की तरफ। भाई हॉस्टल है बॉयज गर्ल्स दोनों, ये सामने है गर्ल्स हॉस्टल। भाई हाईटेक का बस चलती है यार, जो कि ट्रांसपोर्ट का वो तो चलता ही हर कॉलेज में। यहाँ देखिए ये है प्रोजेक्ट गैलरी, यहाँ पे देखिए टॉयलेट बनाया गया है, और यहाँ पे देखिए स्टेज बनाया गया है जो कि इवेंट वगैरह कुछ भी होता है यहाँ पे, तो भाई और बनाया। यहाँ देखिए ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे बस फोर व्हीलर टू व्हीलर सब यहीं पे लगता है, देख सकते हैं सारा दिया गया है, कौन कहाँ पे डिपार्टमेंट है, कौन कहाँ मेस वगैरह है, कैफेटेरिया कहाँ है, सब कुछ। ये है एमबीए वालों का बिल्डिंग, यहीं पर हमारा एग्ज़ाम होता है, यहाँ देख सकते हैं ये भोजनालय है, ये कैंटीन एरिया है, यहाँ पे आप जाके भाई खा पी सकते हो, जो गैस पहुँच करना है बैठ सकते हो, आप देखो बैठा हुआ है हंस रहा है वहाँ से। और बाकी देख लो ग्राउंड काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस ओवरऑल कॉलेज बहुत बढ़िया है, मैंने देखा यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ है, जो कि थोड़ा सा पुराना रहेगा कॉलेज अलग बात है, लेकिन कॉलेज में सारे फैसिलिटी है जो होना चाहिए, जैसे कि एटीएम है भाई, वाटर कूलर सामने लगाया हुआ है, मंदिर तक है भाई, और स्टेज अलग बनाया गया है, सबसे बड़ी बात है भाई कैंटीन भी सही है ढंग का, मेरे कॉलेज में ऐसा ढंग का है ही नहीं कैंटीन, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये कैंटीन एरिया है, 2 मंजिल का है, ठीक है, तो ऊपर ही बैठ सकते हो छत पे आप,
टेरिस पे। देखिए भाई कुछ इंटेलिजेंट बच्चे लास्ट एग्जाम है आज पढ़ रहे हैं अपना। तो गाइस ये कैफेटेरिया जैसे कि मैंने बताया और इसके जस्ट आप इधर जाओगे तो इधर मिलेगा आपको, इधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और इधर ही बॉयज हॉस्टल है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। ये है कुबेर भोजनालय, यहाँ पे मेस का जो खाना मिलता है तो यहाँ का हॉस्टल का ही बच्चे खाना पीना खाते हैं। हमारा ब्लॉगर एक और हमारे क्लासमेट है भाई, कॉलेज वाइज सारा ठीक है, फैसिलिटी हर चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है इस कॉलेज में सही लग रहा है मुझे, यहाँ की जो देख के लगेगा ना चारों तरफ हरियाली थोड़ी कम है, नीचे का जो फ्लोर वगैरह है चाहे जो भी क्लासरूम है वो सब पुराना लगता है, ऐसा फील नहीं होता कि नया है कुछ। बाकी भाई कॉलेज की फैसिलिटी में ऐसा बोल सकता हूँ सारा ओवरऑल ठीक है, तो अगर आप कॉलेज देख रहे हो सही से ढंग का गाज़ियाबाद में जो कि अच्छा प्लेसमेंट भी दे और सब कुछ फैसिलिटी हो और ठीक ठाक फी हो तो ये कॉलेज ठीक है हाईटेक। बाकी अदर कॉलेज भी है तो उतना बेटर नहीं लगता मुझे, और ये ठीक भी है, इसका नाम भी है थोड़ा सा अच्छा इंजीनियरिंग में। मैं भाई पर्सनली प्रेफर कर रहा हूँ, आप ले सकते हो एडमिशन इसमें। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप पीछे, हमारे पीछे स्टूडेंट का भीड़ है क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो बहुत लोग चले गए हैं, बाकी लोग कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं जैसे कि हम जा रहे हैं, ये जा रहा है, बाकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया आज, ओवरऑल सारा पेपर ख़त्म हो गया, बस यही है सीन। और बता कैसा गया पेपर? पेपर यार उतना अच्छा नहीं गया, पास हो जाऊँगा भाई। बस यही चाहिए भाई, पास होना है बस इस पेपर में ना, जो मतलब कॉलेज का पेपर होता है चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, बस पास होना इंपॉर्टेंट है, बैक नहीं आनी चाहिए, बस टॉप करने से कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है। ये देखिए गाइस यहाँ से कॉलेज के कुछ नज़ारे हैं, आई डोंट नो कैसा लगता है, बस देख लो गाइस। देखो ये बंदा है, इसको मैंने सारा तो नहीं दिखाया लेकिन जितना हो सका उतना दिखाया है पेपर, इतने तेजस्वी लोग हैं भाई। और ये ब्लॉग जो है अभी चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, बस चलेगा। देखो आप सारे स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे, ये देखो चार बंदे आ रहे हैं इधर से। और अशो जी कैसा क्या पेपर? भाई मेरा पेपर हमेशा एवरेज आता है तो मैं पास तो हो ही जाऊंगा, बाकी नंबर का मैं सोचता नहीं, मैं सोचता तो होने की कितना है आना है नहीं आना, बस पास हो जाऊंगा इतना गारंटी है। मैं नहीं जानता क्या क्या ब्लॉग में आपको दिखाया है, बस जो दिखाया है वो देख लो, बाकी जो पूछना भाई कमेंट कर देना, मैं बताने का ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूंगा। देखो गाइज हमारी बस आ गई है, अब हम चलते हैं, विदा लेते हैं यहाँ से, अरे हमारे से। ले लो यार। और ये सेमेस्टर यहीं पे खत्म होता है। हमारे सौरभ भाई कैसा कहते पढ़ रहे हैं? बढ़िया गया यार, अभी बोल रहे बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है, और आगे का ध्यान रखो अगले का सेमेस्टर, ठीक है, मिलते हैं अगले सेमेस्टर में, ठीक है, ओके भाई, जा रहा भाई, ये क्या हाल चाल है गाइज? ये बच्चा परेशान है, इसका एग्जाम खराब गया है और ये हमेशा परेशान रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका अभी तक एक भी बाइक नहीं है, हर बार पास हो जाता है। तो इसको बताओ एग्जाम खराब होने से कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए जो कि आएगा, बात खत्म है। गाइस ये है NH9, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे अंकल है चला रहे हैं, बस एंजॉय तो नहीं कर पा रहे लेकिन हाँ सेमेस्टर खत्म हो गया, इस बात की खुशी है और इस बात का गम है कि हमारा प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं है, अभी प्रैक्टिकल होगा, पता नहीं उसका डेट कब आएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, जब भी आएगा अब रेडी रहना पड़ेगा, उसके लिए आप फाइल प्रिपेयर करो, आफ्टर देन इसके बाद हम लोग का इस सेमेस्टर जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना है, उसका भी अब डेट मतलब है नहीं, टाइम है नहीं कितना सा क्या करना है, और उसका जो है टाइम ऑफ पीरियड है जो 45 डेज का है, लेकिन जो टाइम दिया गया है वो हम लोग के पास 10 दिन भी नहीं है टाइम से, तो देखते हैं कैसे क्या होता है, बाकी हर चीज तो मैनेज हो ही जाता है, ये भी हो जाएगा। अरे कहाँ जा रहे हो गाइस? ये देखो हमारे कॉलेज के बच्चे नालायक बच्चे हैं, देख सकते हैं बालक है, बिल्कुल नालायक हो गए हैं सारे, एक बाइक पे चार बैठ के जा रहे हैं बिना हेलमेट के। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में।